a magical mystery thing. Check it out, yeah, the hit house sing. Yeah, a magical mystery thing. Check it out, yeah, yeah, yeah. Explode it. वाह वाह वाह, क्या शॉट दिया, मजा आ गया, बिल्कुल नेचुरल। रात भर दोनों मिलकर खटिया तोड़ते हैं तो दिन में अच्छा शॉट क्यों नहीं देंगे। कांग्रेस। थैंक यू। ओके, लंच ब्रेक आधे घंटे बाद सब यही मिलेगा। चलो, चलो चलो। अरे नहीं नहीं नहीं, लाइट रख के आता हूँ अभी। साफ पानी। इडियट, तेरा हाथ टूटा था क्या? नॉक नहीं कर सकता था? गो जस्ट गो। Thank you.
क्या? खाना नहीं खाना है क्या? खाना तो है, पहले स्वीट डिश को तो चख लूं, है ना? छोड़ो भी, सूरज मैं तुम्हारे बिना पागल हो जाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी। लव यू रागी, मेरी जिंदगी के सारे रास्ते तुमसे शुरू होते हैं और तुम पर ही खत्म होते हैं। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अधूरा हूँ, बिल्कुल अधूरा, बिल्कुल अधूरा। छोड़ो ये सब बातें, सिर्फ किताबें होती है। अगर सच होता ना तो अपने रिश्ते पे कानूनी मुहर ना लगा दिया होता। भगवान जानते कब से इस पल का इंतजार कर रही हूँ, और ना जाने कब तक इंतजार करना है। तुम्हारे इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी, ये शूट के बाद हम कोर्ट जाकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। सच? हाँ, अब तो खुश होना। ओ सूरज, सोना नहीं है क्या? कल मेरा शूट है। अच्छा, पर मेरा तो नहीं है ना। ओह बसंत आयो रे।
चीज का नाम सूरज कुमार है। फिल्म लाइन में छोटा मोटा मैं एक्टिंग का काम कर लेता हूँ। आप लाख छुपाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया को मालूम है आप कितने मशहूर एक्टर हैं। तो क्या इस मशहूर हीरो से आप शादी करेंगी? अगर आपकी मंगनिया शादी की बात कहीं नहीं हुई है तो कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूं? क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? मैं भी कितना पागल हूं, तुमसे शादी की बात कर रहा हूं और तुम्हारा नाम तक नहीं पूछा मैंने। आप और मुझ जैसी एक अनपढ़ गवार लड़की से शादी? अरे तुम हाँ करके तो देखो, मैं कैसे चटमंगनी और पट ब्याह करता हूं। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। उफ। रेंज भी नहीं है। क्यों धक्का मार रहा है यार? अरे यार तुम साइड में हट जाओ। कल रात यार सूरज जी कहीं आने जाने का जिक्र कर रहे थे क्या? नो, इस सिलसिले में कुछ भी बात नहीं हुई है। बार बार फोन लगा रही हूँ कि फोन भी नहीं लग रहा है। अरे यार देख, ओह गॉड, मैं क्या करूं यार, साथ में समझ में नहीं आ रहा है कुछ। अरे कुछ नहीं, देख लेते अच्छी तरह। गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। मेरी बीवी चंदा है क्या? और आज ही हमारी शादी हुई। लेकिन अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, हकीकत में यही मेरी वाइफ है चंदा। अरे यार क्या चालू निकला हीरो यार, एक रहते हुए दूसरी लेके आया है। बड़े लोगों का ऐसा ही चलता है यार। हाँ।
मैम सब आप प्लीज रुक जाइए वरना शूटिंग रुक जाएगी। बकवास बंद करो अभी, चल सामान उठा और गाड़ी में रख। लाइट को सीधा करने यार। हाँ कर रहा हूँ यार। ए, ए, जल्दी सो निधर। हाँ आ रहा हूँ, लाइट लेके आ रहा हूँ। अरे सर जी टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूँ ना। अरे यार मैडम शूटिंग छोड़कर भाग गई, अब क्या शूटिंग खाक होगी, हो सकता है खुन्नस में मुझे डेट ही ना दे। अरे उसकी तो ऐसी की तैसी, कितने सीन है फिल्म में काट दो सब। लेकिन मैं तो बर्बाद हो गया ना यार। कोई बात नहीं, नो टेंशन, मैं हूँ ना, उसकी सारी भरपाई मैं कर दूंगा, मैं हूँ ना, ठीक है। ये भाई लाइट से दूर रहना यार। रघु पावर दे। ये लो। थैंक यू सर। चलो। हाँ चलो। अरे सूरज। ये कौन है यार? ये तुम्हारी भाभी है। क्या मजाक करता है यार। अरे मैं सच कह रहा हूँ, कल ही मेरी शादी हुई है इससे, और क्या, इसे देखते ही फ्लैट हो गया और अगले कदम शादी हमारी। क्यों मजाक कर रहा है यार, भाई भाई बोलता है और जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया, मुझे खबर तक नहीं की। अरे यार तुम समझते नहीं हो, रागिनी भी वही थी और खेल बिगड़ सकता था। चलो कोई बात नहीं, साथ खुन माप। नमस्ते भाभी। नमस्ते। आइए भाभी, मैं लक्ष्मी के गृह प्रवेश का इंतजाम करता हूँ। जी आइए। चंदा। पीछे से कह तुम्हारी ये आंखें, गुलाब से पंखड़ियां जैसे तुम्हारी ये होंठ, आज मुझे ये दीवाना बना रहा है। मैं पागल सा हो रहा हूं, जानती हो चंदा, हमारी ये फिल्म लाइन चकाचौंध से भरी है। इस लाइन में नई नई कहानियाँ बनती हैं और बिखर भी जाती हैं। पता नहीं मेरे बारे में लोग क्या क्या कहते हैं। मेरे पति इतने खूबसूरत हैं, उनकी तो सारी दुनिया दीवानी। तुमने सही कहा। लेकिन तुमने दिल से किसे चाहा, बताओ ना। सवाल भी तुम ही हो
और जवाब भी तुम ही हो। कमी है मुझ में, खूबसूरत हूँ, स्मार्ट हूँ, पैसे वाली हूँ, समाज में नाम है मेरा, इज्जत है, शोहरत है, लाखों चाहने वाले मरते हैं मुझ में। दिखती है ये तो, इसे तो बोलने का भी ढंग नहीं है। तूने ही मेरे सूरज पे जादू टोने किया है ना? नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं, जान से मार डालूंगी तुझे। रागिनी, आज चंदा की तस्वीर फाड़कर उसमें थूकने से क्या होगा? सच तो यही है ना, तेरा सूरज आज चंदा का जायज पति है। नहीं, झूठ है ये, झूठ है, झूठ है ये। इतनी दुखी क्यों हो चंदा? बस 2-3 दिन के लिए आउटडोर शूट पे जा रहा हूँ, बस यूं गया और यूं आया। जाना बहुत जरूरी है क्या? अभी-अभी तो हमारी शादी हुई है। अरे क्या है ना, हमारी शादी अचानक हुई है ना, नहीं तो सब कुछ पहले से प्लान करता, और एट रैंडम शूट कैंसिल करने से प्रोड्यूसर को भारी नुकसान हो सकता है, समझे? लेकिन मैं यहाँ अकेले रह के क्या करूंगी? आ जा राजेश, देखो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए राजेश है ना यहाँ पर। ओके, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। हाँ, चलो हम निकलते हैं। चलो चलते हैं। भाभी इनको सीएफ करके मैं जल्दी से लौट रहा हूँ। ओके बाय बाय डार्लिंग, टेक केयर, जल्दी आना। को देखकर हीरोइन भी शर्मा जाए। आपके मन में कभी खुद को देखकर हीरोइन बनने की
इच्छा नहीं जागी? रही भी होगी तो इस बात का क्या मतलब? अब मैं शादीशुदा हूँ। भाभी अपना हाथ दिखाइए जरा। दिखाइए भाभी। अरे वाह, आपके हाथ में तो कला की जबरदस्त रेखा है। अरे आपको हीरोइन बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं आपको हीरोइन भी बनाऊंगा और इस बात के लिए सूरज को राजी करने का तरीका भी बताऊंगा तुम्हें। यही तो मेरा सपना है। क्या बात है मेरी स्वीट डार्लिंग। क्या बात है, लगता है तुम कहीं खोई हुई हो। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, बात तो कुछ और है, बताओ ना प्लीज। सब पता चल जाएगा तुमको। यार मैंने भाभी को इतना समझाया लेकिन वो अपनी जिद छोड़ने नमस्ते सर तैयार नहीं है। कहती है हर हाल में मुझे हीरोइन बनना है। यार घर के सुख चैन के लिए मैंने रागिनी को छोड़कर चंदा से शादी की। काश ये शादी करने में मैं इतनी जल्दबाजी ना करता और चंदा के बारे में सब कुछ पहले ही पता कर लेता। मुझे अब क्या करना चाहिए? कैसे भाभी का ब्रेन वॉश किया जाए? एक आइडिया है। क्या? हम चंदा की ख्वाहिशों को इस तरीके से पूरा करेंगे वो इस लाइन को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। लेकिन उसके लिए हमें एक खेल खेलना होगा। खेल? मैं चंदा को लेकर एक सुपर डुपर फ्लॉप फिल्म बनानी होगी। क्या? हाँ, और इस फिल्म को फाइनेंस करूंगा मैं। हुँ? और डायरेक्ट करेगा तू। मैं? अरे यार मुझे तो डायरेक्शन की एबीसीडी तक नहीं आती। तभी तो इस लाइन की ये सुपर डुपर फ्लॉप फिल्म। हाँ? मशहूर अभिनेता सूरज कुमार की पत्नी बतौर नायिका हिंदी फिल्म जगत में कदम रख रही है और इस फिल्म के प्रोड्यूसर सूरज कुमार और राजेश कुमार हैं। ओह, डिस्गस्टिंग। हेलो, कमाल है। एक तरफ मीडिया वाले को कहते हो घर संभालने के लिए रागनी को छोड़ चंदा से शादी की, अब उसी गृह लक्ष्मी चंदा को फिल्म लाइन के दलदल में ढकेल रहे हो। कहीं पैसे वैसे की कमी तो नहीं पड़ गई ना? कहो तो चेक वेक भिजवा दूं। माइंड योर ओन बिजनेस, वो मेरी बीवी है और उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। अच्छा, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि दगाबाज होने के साथ साथ गिरगिट के जैसे रंग बदलने का महारत भी हासिल है तुम्हें। You just shut up. सचमुच मैं नहीं जानती थी तुम इतने बेवफा निकलोगे। मैंने तुम्हें शिद्दत से चाहा था। आज इतनी कोशिश के बावजूद भी मैं तुम्हें नहीं भुला सकती हूँ। मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें नहीं भूल पा रही हूँ। ओ गॉड, गिव मी स्ट्रेंथ। बकवास। सूरज, ha ha ha।
काका, इस उम्र में ताकझाक करेगा ना तो दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। फिर हट हट हट, क्यों मरेगा रे तू? क्यों मरेगा? नहीं मरेगा, जब तक दिल में चुलकानी रहती है ना, चुलकानी मतलब खुजली, तब तक मरद बूढ़ा नहीं होता है कभी नहीं। हाथ में किया है रे, दे दे दे, गंद लेगा रे, गंदो गंदो, छाड़ रे छाड़, एक टुक खाएगा एक टुक। ओ काका, बुढ़ापे में क्या पिएगा, बूढ़ा हो गया तू। है तुमको मालूम हम क्या काम करता है? क्या करते बता? लेडीज टेलर। हाँ, लेडीज टेलर मतलब हमेशा जवान। अच्छा, कहाँ कहाँ हाथ लगाता है तेरे को मालूम है? आगे लगाता है, पीछे लगाता है, ऊपर लगाता है, नीचे लगाता है। आनंदी आनंद रे, आनंदी आनंद। रसिया है, रसिया। अरे पागल, तू तो एकदम पागल है रे, जीवन में रोश नहीं रहेगा ना, तू गया काम से। हमारे अंदर रसगुल्ला जानता है, बंगाली रसगुल्ला, वैसा रोज भरा हुआ है और सब समय टपकता है, टपक 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 टपक। काका, इसको पटाने का तरीका बताना। चलना, चल चल, दे 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 दे। अरे पटाने का तरीका तो बता पहले। चल 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 चल। अरे अरे अरे, क्या हुआ अंकल? चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। ओहो, चलिए चलिए वहाँ चलिए, आराम से। कैसे कैसे लोग हैं जो बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ते। संभाल के बैठिए। हाँ हाँ ठीक है। ओ गागा, सॉरी यार, वो क्या है ना, गलती से मिस्टेक हो गया, आपको भी सॉरी। शट अप, शर्म नहीं आती? शराबी कहीं का शराब पी के रास्ते में चलता है। हंसता है क्या काका, मार के गई वो। सब तो अपना अपना भाग क्यों आए रे, तुम थप्पड़ खाता है गाल में, मैं तो उसका बुक में मुख रख के गंदो लेता है, आनंद लेता है रे। तुम ये बात रे, को तो वालो रे, दिल गदगद हो जाता है रे, गदगद हो जाता है। शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसी हरकत करते हुए? मुझे मालूम है तुम दोनों मिली भगत हो, इसलिए मैं पीछे से सुन रही थी छिपके। Shame on you. बड़ा मजा आया। एक बात पूछूं साहब? पूछिए ना दादा, आपको किसी बात के लिए रोका है क्या? चंदा मैडम की शूटिंग पूरी होने आई, सुना है आप अभी तक एक दिन भी शूटिंग पर गए नहीं। अरे वहाँ संभालने के लिए राजेश जी है ना, अगर मैं वहाँ गया और मुझे देखकर मेरी बीबी डायलॉग भूल गई तो नुकसान किसका होगा, मेरा ही ना। प्लीज नीचे लाना, नीचे, और बस। Cheers. अब बोल क्या बात करनी है? फिल्म तो पूरी हो गई। हम्म, अब बोल करना क्या है? हम्म, सर ऑटोग्राफ प्लीज। हाँ जरा रुको, अभी आप जाओ। ओके सर। ड्रेसमैन, अरे हीरो का ड्रेस चेंज करवाओ। अभी कराता हूँ सर। अरे इधर इधर, उधर कहाँ जा रहा है बेवकूफ, लाइट लेके इधर आ। अरे सामान लेके जा। अरे पैक करो जल्दी। नमस्ते सर जी। नमस्ते, आपने मुझे याद किया। हाँ हाँ, फिल्म रिलीज के लिए। मैं जानता हूँ कि मेरी फिल्म टोटल बकवास बनी है और मैं ये चाहता हूँ ये फिल्म ऐसी बकवास थिएटरों में लगे कि एक दिन भी ना चले। आई मीन टोटल वॉश आउट। आपके सारे पैसे डूबने वाले हैं सर। इसीलिए तो इस फिल्म के रिलीज के लिए आपको पूरे 10 लाख रुपए दिए हैं। दादा इनको एडवांस में पैसे दे दो। लीजिए, ये लीजिए, टोटल 2 लाख रुपए। ओके सर जी। ओके।
और हाँ, ये राज की बात है, राज ही रहे, इसका पूरा ख्याल रखें। ओके सर। ये जाम सूरज कुमार के बैनर की पहली फिल्म पेटने की खुशी में। Cheers! ये हीरो लोग जब तक हम टेक्नीशियनों को नुकसान पहुंचाते रहेंगे, उनका यही असर होगा। कमबख्त हम ही लोगों ने बनाते हैं और हम ही से पंगा। हमारी बिल्ली, शट अप, मैं बोल रहा हूं ना, इसकी अकड़ खत्म नहीं होती। क्या बोला तूने? क्या बोला? नहीं नहीं, मैं ये बोला कि सूरज कुमार आजकल ज्यादा ही बदतमीज हो गया। एक दिन मैं भी गया था, मुझे भी भगा दिया। छुड़ाता हूं मैं उसकी हेकड़ी। साले ने मुझे बर्बाद किया, मैं उसकी ईंट से ईंट बजा डालूंगा। चंदा, 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 कोई बात नहीं, फिल्म पिटी है, पिट जाने दो। भगवान को शायद यही मंजूर था कि हमारी चाहत बनी रहे। मैं हार कर अपना मैदान नहीं छोड़ना चाहती। मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी कि पत्नी सुख पा सकूं, ना कि बाजार की नुमाइश की गुड़िया बनाने के लिए। मैं अपने अरमानों का गला घोटना नहीं चाहती। But you have to. ये मेरा घर है और जो मैं बोलूंगा ना वो तुम्हें करना पड़ेगा, समझे? देख लीजिए मैडम, आपसे अलग होकर कुछ करने के नतीजे देख लीजिए। शायद फिल्म इतिहास में आज तक कोई भी फिल्म इतनी बुरी तरह से पिटी नहीं होगी जिस तरह से सूरज जी की पिटी है। चले थे अपनी बीबी को दूसरी रागनी बनाने। अरे संजय, फिल्म लाइन में पिटने और हिट होने का सिलसिला तो चलता ही रहता है, छोड़ो दूसरों की बातें। अच्छा संजय, ये बताओ मेरी फिल्म सहनाई का थर्ड वीक कलेक्शन का कुछ पता चला? वेरी गुड मैडम, ये देखिए 80% कलेक्शन। वाओ, थैंक गॉड, गुड, वेरी गुड। राजेश, आज मैंने बहुत ही अच्छा ड्रामा किया। वेरी गुड, सूरज को शूटिंग से आने में देरी होगी, चलो अब हम रोमांस का जबरदस्त ड्रामा खेलते हैं। अरे वाह, क्या खूबसूरत लग रही है तू दिखने में, एकदम हेमा मालिनी। कितनी प्यारी तेरी आंखें, बिल्कुल हिरन जैसी। सच कह रहे हो? सूरज को जाने दे उसे। सूरज, हेलो सूरज, कहाँ है तू? मैं अभी वकील साहब के घर पे आया हूँ मीटिंग के लिए। चंदा को फोन
कर रहा हूँ, वो उठा नहीं रही। जाके पता कर कहाँ है वो। ठीक है, ऑफ कर देता हूँ। अरे वाह, क्या बात है, यहाँ तो फोगट फंड में बायोस्कोप देखने को मिल रही है। अरे क्या बॉडी है, मक्खन जैसी, नजरें फिसल जाती है। अरे कहाँ चले गए थे काका? शूटिंग कैंसिल हो जाएगी लगता है। क्यों? क्योंकि कैमरे में दादा का अचानक तबीयत खराब हो गई है। अच्छा, आप ऐसा कीजिए डायरेक्टर साहब को बुला के लाइए। जी। भागो। अरे दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है, फोन भी नहीं उठा रहा मेरा, लगता है पीकर सो गया हो। देखता हूँ। राजेश। राजेश, चल तू। मुझे माफ कर दे सूरज। दोस्त नहीं, दोस्त के नाम पे डब्बा है तू। तेरे लिए मैंने सब कुछ किया और तूने मेरे जज्बातों के साथ में खिलवाड़ किया है। मार। आज के बाद तू अपनी शक्ल मत दिखाना वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। कुत्ते, लड़की मेरी हो जाएगी। तेरी दोस्ती पे मैं थूकता हूँ, थू। और तू, और तू, तू आज के बाद मेरे घर के आसपास नजर भी मत आना। सूरज, मुझे माफ कर दो सूरज। तेरे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। गलती मुझसे हुई है, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? कहीं भी जाओ, लेकिन मेरे घर की तरफ मत आना तू। मेरे पीठ पे झाकू भोगा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। You have to pay for it, pay for it। तुम्हारी कमी थी, सारी दुनिया ने मेरे जख्मों पर नमक छिड़का, अब तुम्हारा ही छिड़कना बाकी है। नहीं सूरज, तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़कने नहीं आई हूं मैं, उसे धोने आई हूं मैं। हाँ सूरज, मैंने खुद को तुमसे दूर किया, पर तुम्हें मैं एक पल के लिए भी भुला ना पाई। तुम्हारी यादें मुझे हर पल हर घड़ी कचोटती रही। मुझे माफ कर दो रागी। ना, कुछ ना कहो,
I love you. Thank you.
छुओ मुझे। आज तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मेरा घर लूट गया। कमाल है, उससे अलग होने का तू मातम मना रही है। अरे होगा वो अपने घर का हीरो, तू भी तो नगीना है, बस जरूरत है तुझे तराशने की। मतलब? अरे यार इधर उधर का बात छोड़, अपने को करना क्या है खाली वो बोल। देखो मैगी, तुम्हें चंदा को इतना स्मार्ट बनाना है, फाइनेंसर चाहे कितना भी ढीठ हो वो उसे पढ़ा ही डाले, मतलब मर्दों को रिझाने वाले सारे हथकंडे चंदा को सिखाना है। फिक्र मत कर, मैं उसे तैयार कर दूंगा। ओके, लेकिन ये राज की बात मेरे तुम्हारे बीच ही रहनी चाहिए। ओके डन, बुलाओ उसे। चंदा, चंदा। ओ वाओ, व्हाट अ ब्यूटी। तुम तो फिल्म इंडस्ट्री में हंगामा मचा दोगी। तभी तो इसे जौहरी के पास लाया हूँ, ताकि ये एक्टिंग में, चलने फिरने में, उठने बैठने में परफेक्ट हो जाए। ठीक है, तुम तैयार हो ना? हाँ, मुझे हर हाल में सूरज कुमार से आगे जाना है। ठीक है, तुम्हारी ट्रेनिंग का पहला स्टेप फिगर फिटनेस, 36 26 36। ये बड़े मजे लेकर चूम चाट रही थी, बताना कौन है वो बंदा? जा नहीं बताऊंगी, तुमने तो क्लाइमेक्स का मजा ही खत्म कर दिया। बड़ी पोचेली चीज है, सोती है मेरे साथ, बिस्तर गरम करती किसी और के साथ। मैगी मैगी मैगी, कौन सी बड़ी बात हो गई यार, चल अभी उसका चर्चा कर देता हूँ। रॉबर्ट भाई। कौन? ओ रॉबर्ट भाई। अरे अग्रवाल साहब, आप लगता है आपको बहुत तेज भूख लगी है। यार भूख ही नहीं लगी है, प्यास भी लगी है। अच्छा तुम एक काम करो, जाओ नाश्ता के लिए कुछ लेकर। ठीक है अग्रवाल साहब, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। जल्दी सलवे हो जाए यार। अरे इतना जल्दी भी क्या है, पहले लक्ष्मी के दर्शन तो करवाइए। नहीं पहले जल्दी सलवे हो जाए। चलो मस्ती करे हैं। पकड़ पकड़ी खेले, चलो पकड़ पकड़ी खेले। दादा, किसी बॉय को 2 कप चाय के लिए बोलिए ना। ओके सर। क्या बात है, बड़ी गौर से चेहरे को देख रही हो आईने में, बोलो ना। ऐसे ही सूरज। मेरी बड़ी तमन्ना थी मैं जब अपने घर वापस जाऊं तो
मेरे माथे पे तुम्हारे नाम का सिंदूर का टीका लगा हो। लेकिन इसमें लेकिन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लो भर दी तुम्हारी मांग। अरे दादा इतने गौर से क्यों देख रहे हो? ये रियल में मेरी वाइफ है और यही रहेगी। वो तो बेमौसम हवा के झोंके की तरह आई और गई। ओ गॉड, ओ जीसस, इनको ब्लेसिंग देना। बहकने लगी है हाय, मदहोशियां छाने लगी है, नजरें भी अब बहकने लगी है। हाँ शर्म हया को जाने भी दे, मुझे प्यार है ये कहने भी दे। मदहोशियां छाने लगी है, नजरें भी अब बहकने लगी है। चलते तन को आज सहला दो, दहकती आग को आज बुझा दो। हाँ जलते तन को आज सहना दो, दहकती आग को आज बुझा दो। बाहों में भर के सीने से लगा लूं, बाहों में भर के सीने से लगा लूं, मेरे प्यासे दिल की प्यास बुझा दे। आग सी तन में लगने लगी है, हाँ लगने लगी है। मदहोशियां छाने लगी है, मदहोशियां छाने लगी है, नजरें भी अब बहकने लगी है। शबनम चुरा लो, सांसों में अपनी मुझको बसा लो। होठों से मेरे शबनम चुरा लो, हाय सांसों में अपनी मुझको बसा लो। कैसा नशा अब छाने लगा है, कैसा नशा अब छाने लगा है, मुझको मजा अब आने लगा है। एक दूजे में खोने लगे हैं, हाँ खोने लगे हैं। मदहोशियां छाने लगी है, नजरें भी अब बहकने लगी है। हाँ शर्म हया को जाने भी दे, मुझे प्यार है ये कहने भी दे। अरे सुनिए तो सूरज जी, सूरज जी, आप मुझे ना प्लीज इसी महीने के 2 दिन की डेट दे दीजिए, मेरी पूरी फिल्म कंप्लीट हो जाएगी। चोवे जी, हाँ? आप ही कमाल करते हैं,
मैं औरों की डेट आपको कैसे दे सकता हूँ? ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। अरे ये कहाँ से आ गया? अरे मुझे देख के रास्ता पलट लिया, जैसे कि मैं कोई खुजला कुत्ता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, देखना एक दिन यही खुजवाहा कुत्ता तुझे ऐसा काटेगा साले, तू रेबीज की बीमारी से मरेगा। प्रॉब्लम है वो तुम संभालना। ओके ओके बाबा। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बोलिए, कैसे हैं? ठीक हूँ। दरअसल मैं आप वो रागिनी जी वाली फिल्म दोबारा से शुरू करना चाहता हूँ। अरे अच्छा? डायरेक्टर साहब, अभी भी आप पुराने प्रोजेक्ट पे चिपके हुए हैं। अरे नई सोच के साथ में कुछ नया स्टार्ट कीजिए, हम आपके साथ में हैं। ठीक है, अभी बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, बाय। ये कलाकार लोग होते ही ऐसे हैं, कभी भी गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। देर हो गई, जल्दी चलो। बेबी। अरे पंकज सर, ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। ओके। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। ओके थैंक यू। रागिनी बेन तुम्हारा काम सारू छे। थैंक यू। सर मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। चलें। अरे मैगी, चंदा जैसी लड़की अपन को मिल जाए तो पैसों की अंबार लग जाए। एक से एक नया कस्टमर, 50,000 भी देने से कतराएगा नहीं। अरे कड़का राजेश, क्या उसे खिलाएगा, क्या पिलाएगा, क्या हीरोइन बनाएगा? घूम फिर कर तो उस चंदा को अपन के पास ही आना है। अच्छा एक बात बता, तो बार बार उसी लड़की का जिक्र क्यों करता? ये कौन सी नई बात है? अरे सोया तो मैं कितनों के साथ, अभी तक मैंने तेरे सिवा किसी से प्यार किया है क्या? तेरे जिस्म की तो बात ही कुछ अलग है। तू मुझे मस्का मार रहा है क्या? चल अभी पता चल जाएगा। ला 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 चंदा, यह है जेठा भाई, हमारी नई फिल्म के फाइनेंसर। नमस्ते। जेठा भाई, यह है चंदा, हमारी अगली फिल्म की हीरोइन। सारी छे, सारी छे, सारी छे, सारी छे। अरे आने जोईने लागे छे, ये बड़ी हीरोइन बनेगी। आप लोग बैठ के बातें कीजिए, तब तक मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। आओ बैठो। वेरी गुड, अब तो मछली कांटे में फंस गई। सूरज, कल एक आदमी मिला। हाँ तो चंदा के बारे में कुछ बताया। क्या? राजेश आजकल फिल्म फाइनेंसर से मिल रहा है, वो खुद तो बर्बाद है, चंदा को भी बर्बाद करेगा। अकेले राजेश को क्यों दोष देती हो? वो औरत है ही गिरी हुई, यकीन के लायक नहीं है। छोड़ो, पूरा मूड खराब है। अरे सुनो तो सही। नमस्ते धानुका जी। नमस्ते, बैठिए। ये कहां से आ गया? धानुका जी, आपसे मेरी फिल्म के लिए फाइनेंस की बात हुई थी। हाँ हुई तो थी, पर तुम्हारा डायरेक्शन देखकर मुझे इरादा बदलना पड़ा। बहुत ही बकवास फिल्म थी। अरे वो फिल्म तो सूरज कुमार के इशारे पे बनी थी, मैंने उसमें कुछ नहीं किया। अच्छा ये बताओ, इससे पहले आपने कोई डायरेक्शन किया?
क्या आपके पास कोई प्रूफ है? है तो दिखाइए। बात ऐसी है कि इसका मतलब आप किसी के पास काम नहीं किया, ऐसी हालत में आपको फाइनेंस नहीं कर सकता, अपना पैसा नहीं डुबा सकता। सॉरी, आपके कहने पर मैंने चंदा को आपके पास भेजा था। नहीं भेजते तो क्या हो जाता? चंदा नहीं तो और कोई किसी चमेली को भेज देता। चाहो तो कुछ पैसे ले लो, और क्या। अच्छा मैं चलता हूँ, ओके बाय। अरे कितना कमीना इंसान है। क्या बात हुई धर्मपत्नी? कमीना है कमीना, पहले राजी हो गया था, अभी आनाकानी कर रहा है। तुझसे कुछ भी नहीं होगा, अब जो करूंगी मैं करूंगी। चल हट। लो फिर से इनका टेंटरम चालू हो गया। ए भाई जल्दी फोकस करना। हाँ सर कर रहा हूँ। नमस्ते सर जी। आइए आइए कपूर साहब बैठिए। आप कोई कहानी सुनाने वाले थे ना? हाँ जी। सुनाइए। आपकी एक्स वाइफ के बारे में कुछ पता है? हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर दोस्त आए थे, उन्हें खुश करने के लिए चंदा को भेजा गया था। काफी मोटी रकम ऐड करके गई है। स्टॉप इट! आप यहाँ कहानी सुनाने आए हैं या बकवास करने? सॉरी सर जी। आप यहाँ से जाइए अभी। सॉरी सर। प्लीज गो। यहाँ तो यार खेल ही बिगड़े हैं। अरे यार जल्दी चलना है यार। हटना है यार, जल्दी चलना है। चल चल साइड में रुक जाके बस। साइड में चल 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 चल। मैगी मुझे पैसे कमाने हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये तो रॉबर्ट बताएगा कैसे पैसे कमाए जाते हैं, कैसे क्या किया जाता है। तुम दोनों मिलकर बातें करो, मैं अभी बाहर जाकर आती हूँ। रॉबर्ट जरा बताओ। लेकिन मेरा एक फंडा है, पहला मैं अपना टैक्स वसूलूंगा, फिर दूसरे का टैक्स वसूल कर तुम्हारी झोली में डालूंगा। बिल्कुल चलेगा, टैक्स के नाम पर जो चाहिए ले, मुझे बस पैसा चाहिए पैसा। We
मिलो तो सिर्फ मुझसे मुर्गा बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। मजा ए है हमको देख के तू भाग जाता है केनो रे, प्यार का जल खत्म हो गया। ये क्या आधा बंगला आधा हिंदी बोलता है, सही से बोल लेगा। अरे बाबा प्यार का बुखार रे, बुखार जोर जोर बुखार 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 खत्म। जब मेरे को फ्री फंड में एक से एक सीन देखने मिलता है तो मैं तेरे साथ काय के लिए मार खाने आएगा। नहीं नहीं हम आगे भी ले चलो ना, चलो भाई एक साथ मिलकर मजा करेगा। तेरे शादी हो गया ना, तू शादी शुदा है, बीवी के साथ जाके गर्मा गर्मी करने का, मेरे साथ नहीं आने का। भगवान बीवी तो मुझे पत्ता नहीं देता है रे, घर के मुर्गी दार बलावर हो गया रे। तो जाके साली को जाके पकड़, मेरे साथ नहीं आने का, चल जाके मजा कर थर की बुड्ढा। अरे भगवान एक ना लड़का मिला फ्री बांड में, शराब पीने को मिला, यहाँ से निकल गया रे। अरे मेरे पैसे कहाँ गए? राजेश ने मेरे पैसे चुराए, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। राजेश मेरे बैग में से पैसे कहाँ गए? पैसे? मुझे क्या मालूम तेरे पैसे कहाँ है? जल्दी से बता वरना तेरा खून पी जाऊंगी। बता मेरे पैसे कहाँ है? छोड़, मैंने नहीं लिया तेरा पैसा। इसको तोड़ के क्या फायदा, मुझसे ही साला आके पैसा मांगेगा। अरे आ जाएगा वो, इतनी जल्दी भी क्या है, वो क्या है ना घर पे लेट हो जाता है ना इसलिए। अच्छा अभी आएगा वो, बात कर लेना। मैगी ए मैगी क्या हुआ तुम इस वक्त? क्या हुआ आज तुम बहुत परेशान दिख रही हो। हाँ मुझे रहने के लिए जगह चाहिए, मैं अब राजेश के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। इतना बड़ा घर खाली पड़ा है, बाहर जाने की क्या जरूरत है? यहाँ नहीं, मैं दो दिन के अंदर तुम्हारे लिए ऐसी जगह का इंतजाम कर दूंगी कि तेरे रुतबे बदल जाएंगे। ठीक है? ओके ठीक है। ये कौन? चला गया वरना आज तो बहुत मारता। हे भगवान बचा ले, भाग लेते हैं।
अरे बाप रे, ये क्या हुआ है? सीने में जलन हो रही है। मुझे क्या हुआ? अरे ये क्या हुआ? वो जलन हो रहा है। जहर दे दिया, जहर दे दिया तूने मुझे। नहीं, मैंने जहर नहीं दिया तुमको। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया राज। जरा मैं मुझे जहर दे दिया। नहीं, तूने जरा मैं मिला है ना। मैंने ऐसा नहीं किया। राज, नहीं। राज, 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 राज। माय गॉड, राजेश की हत्या? क्या? हाँ, पुलिस को फिल्म निर्देशक राजेश कुमार की हत्या का शक है। इस सिलसिले में पुलिस सूरज कुमार की पहली पत्नी चंदा से गहन पूछताछ कर रही है। इन अखबार वालों को मेरा नाम जोड़े बिना चैन नहीं आता क्या? मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। I will show them. सुनो, हे भगवान, राजेश की आत्मा को शांति देना। ये ले चेक। Thank you.
हूँ।